मक्खन से और गए मान के ले चलेंगे घर, जितना खाया काले हो जाते लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के एक, और मैं रात को मतलब सुबह के 6 बजे सो रहा हूँ एडिट करके अपनी वीडियो। तो बस अभी उठा हूँ और ब्रश वगैरह किया, तो मम्मी ने कहा कि भाई खाना खा ले, बस खाना खा लेते हैं और थोड़ा सा शोर होगा उसको इग्नोर करना क्योंकि सब लोग आए हुए हैं। बाय बाय। मामी मामा। तो भाई सब लोग जा चुके हैं, बस अब हम लोग भी निकलते हैं क्योंकि डुगू भी खुशहाल के पास है, तो फिर डुगू की याद ज्यादा आ रही है, तो चलते हैं घर पे। चलो कोई नहीं, अब तो निकल ही गया, जा काट ले। सीधा कर ले। यस। अरे नहीं, वो एकदम आई थी ना। घर नहीं आने लगे जो मारेगा वही तो करेगा। अरे तुमने मारनी क्यों, मैं नहीं दे रही, क्या कर रही है ना मार रही हो। चलो बाय। ये उधर मामा कर रहे इधर। तो 2:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं मामा के घर से अपने घर के लिए। अम्मी कैसा लगा, मजा आया? खूब भालो छे। उस टाइम किसी फंक्शन पे दिल्ली वाले गाड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, लेके जा रहे हैं, नहीं लेके हो के हो आया, सबने गाड़ी देखी, सारे खुश हुए। बिग थम्स अप। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ अबे बचपन की याद दिलाते होंगे सबको ही, जो गंध में रहता था। नहीं, बचपन की याद, जैसे किसी के रिश्तेदार दिल्ली रहते थे, अब हरियाणा वाले हो गए या फिर और दूर वाले, तो दिल्ली हमारे लिए हुआ होता था पहले कि दिल्ली जाना है। तो ये पहाड़ आते थे ना तो पता चलता था दिल्ली आ गया, हमें बचपन में यही होती थी निशानी दिल्ली की। तो बस ये पहाड़ देखे तो मैं कहा याद आ गई, एक बार बता देता हूँ कि बचपन में ये पहाड़ हमें मतलब बहुत अच्छे लगते थे। क्या खाओगे? पराठा। पापा पराठा। 4 बज चुकी है और अभी हम लोग आए हैं मूर्थल मन्नत ढाबा में खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी तो पैर हो गया, तो हमने सोचा कि लंच यहीं पे कर लेते हैं। अम्मी और खा रहे हैं पराठे, हम लोग खा रहे हैं रोटी। कह रहे मक्खन से और गए मान के ले चलेंगे घर, जितना खाया काले हो जाते लोग। अरे फ्री आता भाई मक्खन, आपके पराठे के साथ मक्खन फ्री है, तो हमसे तो इतना खाया नहीं जाएगा। फिर भी लेके जाओगे? पैसे तो लगी गए। नहीं लगे, फ्री है। तो खाना खा लिया हम लोगों ने, बस अब चलते हैं घर पे। ये मुझ पे डिस लिखने चले जो, इनके लिए भी मांगू दुआ के बस खुश रहे तेरे माँ बाप, और घर पे खाना रखा हुआ वो को लेके आना इधर। ठीक। तो 6:30 बज चुकी है, फाइनली हम लोग पानीपत पहुंच चुके हैं। अम्मी और को ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने और अब हम लोग जा रहे हैं अंसल गाड़ी पार्क करने। गाड़ी पार्क करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे डुगू को खुशहाल के घर से लेंगे और फिर जाएंगे घर पे आराम से। सुखा दी हमारे डुगो, मत दिया करो फिर। बोलो नहीं लग तो सही रहा, दूर से सूखी सूखी लग रही थी। चलती मिला गुजू, चेला गुजू, छका गुजू, एक गुजू पकड़ लो। नो डुगो अरे वो रे
तो 1 बज चुकी है और 7 बजे मैं आ गया था घर पे। आते ही फिर थोड़ी देर सो गया था क्योंकि कल रात को भी ढंग से सो नहीं पाया था तो नींद आ रही थी, तो फिर आते ही सो गया था। बस फिर 9 बजे उठा, उसके बाद उठते ही एडिटिंग स्टार्ट कर दी। अब एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देख लो गाड़ी चला दी थी, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। कहाँ चली है गाड़ी, तेरे को दिख रही है? यार तू सीट बेल्ट मचा रहे।